बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममता मई माताओं, अभी हम सब जीवन के बारे में सुन रहे थे। जिस प्रकार से आदमी अपने घर परिवार सोचता है, आदमी मकान अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, अनेक प्रकार की चीज़ों की कल्पना करता है, क्या हम कभी कल्पना करते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आदमी बाहर की चीज़ों को सजाते सजाते आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आदमी अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं। सुन रहे थे साकी सदगुरु कबीर साहब की, शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है उन्हें हमें त्याग करना चाहिए। कुबुद्धि और सुबुद्धि, आदमी की अगर बुद्धि सही हो जाए तो आदमी कभी गलत कर ही नहीं सकता है। हमारी अगर बुद्धि सही हो जाए तो क्या हम शराब पिएंगे? अगर हमारी बुद्धि अगर सही हो जाए तो क्या हम तंबाकू खाएंगे? क्या हमारी बुद्धि सही हो जाए तो सास और बहू में लड़ाई होगी, पिता पुत्र में लड़ाई होगी? अगर हमारी बुद्धि सही हो जाए तो क्या इतने हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, हम अपने जीवन को संतों से नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सही नहीं है। साहब कहते सकलो दुर्मति दूर करो, जिस दिन हमारी बुद्धि सही हो जाए तो ये आपकी बुद्धि को ठीक करने के लिए ही 3 दिनों का सत्संग रखा गया है। आप यहाँ आदमी का घड़ी खराब हो जाए तो आदमी को कहीं उनकी दुकान है, आदमी ठीक करते हैं दुकानों में घड़ी ले जाकर, लेकिन आदमी की बुद्धि अगर खराब हो जाए तो वो कहाँ ठीक होगा? वो संत और गुरुजन के ही शरण में अपनी बुद्धि को ठीक कर सकता है। आदमी सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। आदमी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाता है। आदमी कपड़े पहनते हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन आदमी अपने जीवन से दुखी है, क्योंकि अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाते हैं। आदमी सोचते हमारा चेहरा सुंदर हो, घर सुंदर हो, आदमी सोचता है मेरी पत्नी सुंदर हो, एक युवती सोचती है मेरी दूल्हा बाबू ठीक हो, लेकिन आदमी अपने जीवन को कभी कल्पना नहीं करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। जिस दिन हमारा जीवन सुंदर हो जाए तो हमें भले हमारा घर मकान सुंदर न हो, लेकिन हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक युवक एक फोटोग्राफर के पास गया और फोटोग्राफर से कहा कि भाई मैं अपना फ़ोटो खिंचाना चाहता हूँ और दुनिया की सबसे अच्छी फोटो होना चाहिए, जितना पैसा लगे तुम चिंता मत करना, तुम पैसे चिंता मत करना। वो लड़का कभी दर्पण के सामने जाता, अपने चेहरे को पोछता, बाल को संवारता, ऐसे करते करते बहुत देर हो गया। फोटोग्राफर ने फोटो खींचा और कहा देखो भाई, आज तक मैंने दुनिया में ऐसा फ़ोटो कभी नहीं खींचा, बहुत बढ़िया तुम्हारा तस्वीर आया है। उस युवक ने कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा और फोटो बढ़िया होना चाहिए। मेरे मन में एक कल्पना हुई, जिस प्रकार से आदमी वो बाल को संवारता, चेहरे को संवारता, उसी प्रकार से शायद हम अपने जीवन को सजाते, अपने आप को संवारते तो हम दुखों से पार हो जाते। जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हमें समझदारी बढ़ना चाहिए, विवेक बढ़ना चाहिए, वैराग बढ़ना चाहिए, लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हमारे अंदर शिकवा शिकायत, राग द्वेष और प्रपंच की बातें हमारे जीवन में भर पड़ी रहती है। हम अपने जीवन से उदास हो जाते हैं, हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाते हैं। जिस दिन हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, उस दिन हमें
दुनिया में कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, सुख का ही अनुभव होगा। हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, जिस दिन हमारा जीवन सुंदर होगा तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता है। उम्र के हिसाब से हमें विवेक वैराग बढ़ना चाहिए, राग और द्वेष घटना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। पिता पुत्र के प्रति, सास बहू में, देवरान जेठान में, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उम्र के हिसाब से प्रेम बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से राग द्वेष प्रपंच, क्योंकि हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाए हैं। जो रहे करवा सो निकरे टोटी, जो आप अपने पात्र में भरेंगे आपको वही लौट कर मिलेगा। जब आप अपने जीवन को बचपन में ही संभाल लेंगे तो आगे भी आपको सुख मिलेगा। अगर आपकी बचपन में दुख है तो आगे भी आपको दुख मिलेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाए। आप तो घर मकान दुनिया की सारी चीज़ों को सुंदर बनाना चाहे, लेकिन आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाए। जिस दिन आपका जीवन सुंदर होगा, हमें जिस दिन अपने जीवन से प्रेम होगा, उस दिन हम कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। जिस दिन हमारा जीवन, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो कभी गलत खा ही नहीं सकता है, कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। जिसको जीवन से प्रेम होगा क्या वो कभी शराब पिएगा? क्या जिसको जीवन से प्रेम होगा क्या वो दुर्व्यसन करेगा? जिनको जीवन से प्रेम होगा क्या वो अनेक प्रकार की दुर्व्यसनों में फंसेंगे? तंबाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, झूठ बोलेंगे, लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने जीवन से प्रेम नहीं है, अपने आप से प्रेम नहीं है। जिस दिन हमें अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अगर हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बनेंगे तो दुनिया को भी बदल सकते हैं। जो गुण, जो संस्कार हम लोगों में देखना चाहते हैं वो हमारे अंदर आ जाए, हम अपने जीवन को जीवन में उतार ले, हम अपने जीवन को सुंदर बना ले। गुलाब की फूलों की तरह, हर आदमी गुलाब की फूलों को पसंद करता है, लेकिन हम गुलाब की तरह होना नहीं चाहते हैं। हम जब तक जीवन जीते हैं कांटे कांटे बटोरते हैं, हम कांटे को निकाल कर फेंक दे, हम अपने जीवन को गुलाब की तरह बनाए। गुलाब की फूल हर आदमी को पसंद है, हम अपने जीवन को जिस दिन गुलाब की पौधे की भांति बना लेंगे तो हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा, सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो मैं अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। साहेब जैसी कहे करे पुनी तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संभारे। बहुत ही सुंदर, गागर में सागर के समान, बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात कह गए हमारे साथी श्री ब्रह्मचारी निर्मल जी। अब मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ का स्थानीय संत है श्री जगदीश साहेब जी, और 10 मिनट हम लोग अपनी बात रखने की कृपा करें। परम पूज्य गुरु संत के, परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल सिर धार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रिवार, संगत कीजिए साधु की हरे यारों की व्याधि, ओछ संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो,
कहै कबीर तहाँ जाए जहाँ अपनी संगति हो। प्रेम से बोलिए सतगुरु देव की जय। परम आदरणीय मंचासेन हमारे गुरुतुल संत एवं सत्संग स्थल पर बैठे हुए सभी सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माता एवं देवियों, नन्हे मुन्हे बच्चों एवं समस्त ग्रामवासियों, सभी के चरण कमलों में ये दास का त्रिवार साहिबंदगी। अपार खुशी की बात है कि यह गढ़िया गांव में अररिया जिला नरपतगंज थाना गांव गढ़िया के जितने नगर निवासी हैं वे भक्ति में श्रद्धा रखते हैं। जिस श्रद्धा का परिणाम है कि आज 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन यहाँ हुआ है। दूर दराज से संत महात्मा गण हमारे समाज में आए हुए हैं, ये हम सभी समाज का अहोभाग्य है कि इलाहाबाद से चलकर, वैशाली से चलकर, जमुई से चलकर इस खैरा गढ़िया के पवित्र भूमि को बिल्कुल और पवित्र करने के लिए पधार चुके हैं। इन संतों के सामने मैं एक तिनका के समान भी नहीं हूँ। हमारे श्रद्धेय संत शैलेंद्र साहब जी मंच संचालन कर रहे हैं और इनका थोड़ा सा आदेश हो गया। इन आदेश का पालन करने के लिए ही मुझे विवश होना पड़ा है। मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की साखी अभी आप लोगों ने सुन रहे थे कि सकलो दुर्मति दूर करो। ये सारा दुर्मति का कारण क्या है? ये दुर्मति का कारण आज हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। इतना सत्संग हो रहा है, आज से 40 साल पहले 50 साल के उम्र वाले जितने भी यहाँ बुजुर्ग होंगे, माताएं होंगी, भाई बंधु हमारे पिता तुल्य होंगे, आज से 40 साल पहले इतना सत्संग नहीं था। हम लोगों के बीच ये सत्संग नहीं होया करते थे। जो 40 साल के पूर्व के हैं उनको पता होगा। और होता क्या था कि एक गांव के अंदर में एक कुआं होया करता था और उस कुआं में से माता बहने हमारी पानी भर करके बड़ी प्रेम से चल करके अपना जीवन निर्वाह किया करती थी, पूरे परिवार को चलाती थी। और ये सत्संग नहीं था, इतना ज्ञान ध्यान की बातों को नहीं कहा करते थे, नहीं सुना करते थे, लेकिन सभी का मन पवित्र था। तब ने एक कुआं से पानी भर करके सभी अपने जीवन यापन किया करते थे। लेकिन खेद की बात है, ये दुख की बात है कि आज हम लोग सत्संग का जब आश्रय लेते हैं, वास्तविकता को हम नहीं देख पाते हैं, या कहाँ भूल है, कहाँ पर हमें कमी है, उस कमी को कैसे सुधारा जाए, इसका फैसला नहीं हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि आज एक बाप के 4 गो बेटा है तो 4 गो ट्यूबवेल है, और उस 4ों ट्यूबवेल से पानी अगर कहीं बह करके दूसरे भैया के हिस्सा में चला गया तो तकरार होता है, गोतनी गोतनी में तकरार है, भाई भाई में तकरार है, बाप बेटा में तकरार है, संत संत में तकरार है। कल हमारे
सदर संत वैशाली से आए हुए साहब जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कि लाल कपड़ा वाला उजला कपड़ा वाला से जलता है, उजला कपड़ा वाला से और कोई जलता है, जलने के लिए तो ठिकाने नहीं है भैया, सभी सत्संगी कहलाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। ये अच्छा जन्म होगा कैसे भाई, सत्संग तो सुन लिए, कमी किधर है? हम लोग इधर से सुनते हैं, इधर से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी खामियां है, ये हमारी भूल है, ये हमारी कमी है। इस कमी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो समय बर्बाद करके हमारे संत बाबा इलाहाबाद से चल के आए, जमुई से चल के आए, वैशाली से चल के आए और यहाँ ज्ञान ध्यान की बातों का प्रदर्शन हुआ, लेकिन हम रखे कै कितनी बातों को। खेद इस बात की है, दुख इस बात की है कि सत्संग सुन लेना साधारण बात है, लेकिन उसको जीवन में उतार लेना साधारण बात नहीं है। उसको जीवन में उतारे सदगुरु कबीर साहब कहते कि नहीं फेर कछु तत्व में, नहीं इंद्रियन के माही, फेर पड़ा कछु बूझ में, असो निर्वारे उनाही। ये आँख कान ये तचवा ये शरीर पांच तत्व से बना है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। तो ये पांचों तत्व से जो निर्मित माता पिता के द्वारा ये शरीर है, तो हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे संत हो या चोर हो, चाहे बेईमान हो या इंसान हो, ये सभी को दुइये गो हाथ है, दुइये गो पैर है, दुइये गो आँख है, दुइये गो कान है, इसमें कहीं हेरा फेरी नहीं है। ये हवा चल रहा है ना, ये सबके लिए सामान्य काम कर रहा है, बिल्कुल इसमें कोई बगावत नहीं है। ये धूप जो निकल आया है, सूर्य भगवान जो उदय हुए हैं, ये सभी के लिए समान दृष्टि रखे हैं। ये मिट्टी क्या है, मिट्टी सबके लिए समान उपज दे रही है, अब हमको उपजाने का ढंगे नहीं है तो दोष मिट्टी का है जी, नहीं हमारा दोष है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि ये हमारा समय बहुत मूल्यवान है और इस समय को हम अफरा तफरी में बिता रहे हैं, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये संत महापुरुषों का आगमन हुआ और ये हमारे समाज के नागरिकों ने बड़े तन मन धन के साथ यह अर्थ को इकट्ठा करके यह तीन दिवसीय सत्संग का आयोजन किए हैं। मैं इस समाज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन धन्यवाद का पात्र तो तब होंगे कि दूर दराज से संत महात्मा गण आए हैं और अभी पंडाल में चार आदमी बैठे हुए हैं। मिला जुला करके जनसंख्या के मुताबिक ये चार आदमी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बड़ी बड़े दुख की बात है। क्या आप ये मान सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, जरा सोच लीजिए। हमारे गांव के सभी सदस्यगण, हमारे नागरिक जहाँ सोए हुए हैं, जगिए, जरा जगिए कि आपने चंदा चिट्ठा करके इतना बड़ा पंडाल लगवाया है, आपने इलाहाबाद से, जमुई से, वैशाली से संतों को बुलाया है, तो इनका आदर कैसे किया जाए? ये खिला देने से आदर नहीं हो गया। आप अपनी उपस्थिति, यहाँ उपस्थिति को बरकरार रखिए, पंडाल को भर दीजिए और तब हमारे संत महापुरुषों की ज्ञान को अपने हृदय में धारण कीजिए, तब हमारा यहाँ पर सार्थकता हो जाएगी। ये धन, ये मेहनत, ये परिश्रम हमारा तभी सार्थक होगी। मैं आगे नहीं जा करके मैं ग्रामीण भाई बंधुओं से निवेदन करूँगा कि जो भी सत्संग स्थल पर आ रहे हैं, दो चार को उधर से साथ में ले करके इस पंडाल को भर करके दिखा दीजिए कि मानवता क्या है, तभी हमारा जीवन में कल्याण का उदय होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे गफलत में रहेंगे। सतगुरु कबीर साहब कहते कि नहीं फेर कछु तत्व में, नहीं इंद्रियन के माही, अब फेर पड़ा कुछ कछु बूझ में, असो निर्वार्यो नाही। तो उसका निवारण करने के लिए ये चार आदमी से नहीं होगा। मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ और
आप सभी श्रोता भगवान को से विदा ले रहा हूँ। ये संत बाबा जितने मंच पर बैठे हुए हैं, मैं इनको नमस्कार साहिबंदगी प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। आप लोग जयकारा में एक बार अपना मन को अपने दिल को खोल दीजिए, चूँकि हमारे संत महापुरुष जो कुछ आप लोगों के बीच संदेश देंगे वह खाली जगह होगा तो वहाँ एडजस्ट हो जाएगी, तो जयकारा से आपका विकार दूर होगा और संत महापुरुषों की बात एडजस्ट होगी। तो प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, माता पिता की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ परम श्रद्धेय संत श्री नारायण साहब जी, जो सदगुरु कबीर आश्रम सिंगयान मुरलीगंज से पधारे हुए हैं, कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय।